बरेली मंडल के प्रभारी नंदगोपाल गुप्ता नंदी, वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI और निवेश प्रोत्साहन मंत्री हैं, लेकिन अपने प्रवास के दौरान उन्होंने रिलायंस गेस्ट हाउस की VIP सुविधा को ना करते हुए चक्कनहो गांव में दलित सहोदरा के घर पर फोल्डिंग पर टेबल फैन की हवा में रात्रि विश्राम किया, जहां प्रातः सुबह उठकर टहले और फिर सहोदरा के साथ समस्याओं पर चर्चा करते हुए चाय पी, फिर हैंडपंप के पानी से स्नान कर दौरे पर निकलने के लिए तैयार हुए। दरअसल शुक्रवार की शाम शाहजहांपुर के सिंधौली विकास खंड के चक्कनहो गांव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने गांव के ही रहने वाली सहोदरा पत्नी लीला राम के घर पर भोजन किया। इसके बाद उन्हीं के घर पर बरामदे में लगी चारपाई पर रात्रि विश्राम किया। जैसे गांव वाले अपने घरों के आंगन और बरामदे में चारपाई के पास टेबल पर फैन लगाकर सोते हैं, मंत्री नंदी सुबह करीब 6 बजे सोकर उठे और कुल्ला दतून कर सहोदरा देवी के घर पर बनी चाय पी, जिसके बाद उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की, घर के बाहर थोड़ा टहलने निकल पड़े। इसके बाद उन्होंने सहोदरा देवी के घर पर लगे हैंडपंप के पास बैठकर पानी से स्नान किया। वहीं बरामदे में तैयार हुए और नाश्ते में चाय पराठा खाकर सुबह करीब 8:30 बजे निरीक्षण के लिए निकल पड़े। सहोदरा देवी के साथ ही उनका पूरा परिवार और गांव मंत्री नंदी के व्यवहार से बहुत प्रभावित है।